हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी को लेकर चुनाव आयोग में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों राज्यों से लौट कर आए चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों को लेकर आज चुनाव आयोग में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों राज्यों के चुनाव आयुक्त और अन्य कई महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल रहे। बैठक में हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनावी दौरा कर लौटी चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें चुनाव आयोग ने इन राज्यों की मतदाता सूची और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। दरअसल तीन राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने तय हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की अधिसूचना पहले आ जाएगी, वहीं झारखंड में विधानसभा के चुनाव बाद में होंगे और यहां पर कई चरणों में मतदान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग और मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साल 2014 में दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 सितंबर को हुआ था और 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वहीं चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, तब दिवाली 23 अक्टूबर को पड़ी थी। 2014 में झारखंड में 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 5 चरणों में मतदान हुआ था। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों के आकलन और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर राज्य और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। खबर है कि चुनाव आयोग ने आज की बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव के लिए अधिकारियों की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।